तो अभी हम यहाँ पे आए कुलचा खाने के लिए, आप देख सकते हैं। मैं समझ नहीं अच्छी यार वेले कुलचा देखता है मुझे लेना किए। तो अभी हम खा लेते हैं कुलचा फिर चलते हैं घर। गाइस यहाँ आंटी तंदूर पे पका रहे हैं फुलके और ये वाली आंटी उनका घी लगा रहे हैं। इन सब चार दे प्याज ही नहीं ला पकना, बस इसे जुबान चलनी है, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं। तो यहाँ पे बासित भी अपने ऑफिस के अंदर एंटर होते हुए, अगर दिल टूटा हुआ हो उसको टंका लगा देते हो। मुझे यहाँ पे टंका लगाना यार, मेरा दिल टूटा हुआ है। ऑल राइट, सो हेलो सब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाल वाला व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप के सभी खुश मस्त स्वस्थ खाते पीते ऐश करते। और मैं तो अभी जस्ट उठाऊँ और अभी लगाऊँ खाने पीने, आप तो पहले खा पी के बैठ के, यार कोई बात नहीं यार कोई। तो आज मैं कोशिश करूँगा पूरा व्लॉग उर्दू में करने की, क्योंकि सब बोलते हैं कि पहाड़ी हमें समझ नहीं आती। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और टाइम हो रखा पता क्या 9:30। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो सावना अभी हम आए थे बाजार में और इनको तंग करने के लिए आज इनकी फिर से क्लास लगेगी। और भैया क्या हाल है आप, ये क्या कर रहे हैं आप? खाना बना रहे हैं बस। खाना बना रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। सही है सही है, सीखो सीखो। सुबह कैमरा लेके आ जाते हैं परेशान करने के लिए। हाँ मुँह उठा के आ जाते हैं हमें, आप सीखो सीखो सीखो। हाँ क्योंकि बीवी ने लास्ट में अगर ऐसे नहीं बनाओगे फिर उसने मार के बनवाना उसने है ही। शादी नहीं करेंगे यार हम, शादी नहीं करोगे आप, सीधा कहो ना डर गए हो। तो ये भैया प्याज पका रहे हैं वो भी देसी घी में। ओ हो गड्डी चल गई। और भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम यासीन। यासीन, और भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम राशिद। राशिद, ये क्या बनने लगा? ये लहसुन, लहसुन की पेस्ट। तो उस दिन मेरे साथ एक सीन हो गया, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना, बासित भैया ने बोला कि शेफ साहब से मिलवाओ उनको, मुझे लगा सही में शेफ है। मैंने उस दिन उनको बोला मैं आपको तनख्वाह कितनी मिलती है दुकान ही मारी। बाद में मुझे पता चला मालिक यही है। बस इसे जुबान चलनी है, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं भी। इन सब चार दिहाड़े प्याज ही नहीं ला पकना। आए हाय हाय बख्तो बख्तो बख्त नहीं मुकते रे नहीं मुकते। और बासित भैया आपकी एक दुकान से हम कंटेंट निकाल के अब दूसरी दुकान में घुस गए आगे। सही है प्रैक्टिस कर। हाँ वैसे सही कहा, लोग जिन्हों प्रैक्टिस भी करने हैं उन्हें ना, क्योंकि लास्ट कोई नहीं है ये कम कराने। तो आज हमारा एक नया सफ़र शुरू हो चुका है। पहले हमारा ये होता था कि मैं एक दिन व्लॉग बनाता था उसको दूसरे दिन डालता था, लेकिन एक दिन मैंने बीच में मिस कर दिया, उस चक्कर में आज बना रहा हूँ तो आज ही शाम को एडिट करके डालना पड़ेगा। तो अब से ज़्यादा मेहनत लगेगी पर कोई मसला नहीं, अब तो मैंने थोड़ी झिझक भी अपने अंदर से निकालनी है। जहाँ पर मर्जी हो मैं वीडियो बना दूंगा, चाहे कोई भी देखता हो, मतलब अपने अंदर से शर्म निकालनी है यार, क्योंकि हेजिटेशन बर इज़ अ वर यर अलोन है नहीं, क्योंकि हेजिटेशन बर इज़ अ वर यर अ लाइफ। कोई पता नहीं क्या पहुँच गया मैं। चलो भैया फोटो स्टेट कराने आए थे हम, तो फोटो स्टेट करा देते हैं। चलो बस भैया करके दो फिर आप पोछा मारे। तो यहाँ पे बासित भैया अपने ऑफिस के अंदर एंटर होते हुए और अभी हम फोटो स्टेट कराएंगे और फिर चलेंगे वापस। ये भैया की तीनों स्कैनर मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, क्या देखने पर मैं आपको खज्जल हूँ उधर मुड़े रहा। तो अभी हम आए थे यहाँ पे अंकल का पता लगाने के लिए। और अंकल क्या हाल है आपका? अंकल रुसे लेना भी मेरा। तो ये रहे हमारे बड़े मिस्त्री, टंका लगा रहे बेचारे। अंकल अंकल अगर दिल टूटा हुआ हो उसको टंका लगा देते हो? मुझे यहाँ पे टंका लगाना यार, मेरा दिल टूटा हुआ है रन मेरा। इतना ही खुश ना हो यार, दिल या फिर त्रुटि नहीं, साइकिल थोड़ी है कि वेल्डिंग कर सी। तो अभी हम चलते हैं वापस घर और इस टाइम शर्म को मारा हुआ मैंने। अभी जो नया सफर है ना इसमें शर्म वगैरह कुछ नहीं कर रही, पब्लिक में भी शुरू रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और भैया क्या हाल है? नूर बीड़ी है? आहो नूर बीड़ी सुरूर वाली। हाँ पीती नूर बीड़ी आ गया सुरूर मित्रो, कदे पैसे आंदा किता नहीं गरूर मित्रो, किया क्या है नहीं गरूर कुछ करा पैसे मैं ना। चलो ठीक है फिर भैया, बाय बाय। तो अभी हम चलते हैं घर। दो न्यूज़, एक गुड और एक बैड। गुड न्यूज़ यह है कि हमारे 3500 आवर्स का वॉच टाइम पूरा हो गया, अब बस गया हमारे पास 500 घंटे का वॉच टाइम रह गया हमारे मोनेटाइजेशन के लिए। तो दूसरी बैड न्यूज़ यह है कि अब कॉलेज जाना पड़ेगा। तो यार अभी मैं वापस घर आया था, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो थी और मैंने सोचा 10 बजे लाइट आएगी तो हम चार्ज लगा देंगे। अभी 10:30 का टाइम हो चुका है, अभी तक लाइट नहीं आई। जब इनको लाइट काटनी होती है तब 1-2 मिनट पहले काट देते हैं और जब देनी होती है तब 10-12 मिनट बाद देते हैं। और अभी देखो अभी 37 मिनट हो गए अभी तक लाइट नहीं आई।
देख लो फिर ऐसी लाइट चल रही है तो फिर व्लॉगिंग क्या ही होगी यार, मतलब बैटरी डाउन है मेरे फ़ोन की। और मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि लाइट आई जाए, उसकी चार्ज हो जाए। हमारा इन्वर्टर भी नहीं है ना, हमारी बैटरी जो जोरी दी हुई अभी तक वापस नहीं आई, वरना मैं इन्वर्टर से चिपकड़ी वरना मैं इन्वर्टर से कर देता। तो फाइनली हमारा बुरा वक्त शुरू, अभी चलते हैं हम कॉलेज। तो एक बार देख लो कैसा लग रहा हूँ, बता देना, वहाँ तो सभी को बुरा ही लगूंगा, आप बताओ आपको कैसा लग रहा हूँ। तो अभी हमारा कॉलेज ऑफ हो चुका है, हम यहाँ पे आए थे आज परेड करने के लिए, ये रिफ्रेशमेंट तुन तुन जरा। तो अभी हम चलते हैं वापस घर और देखते हैं आगे क्या क्या होता। पूरा दिन खत्म हो गया यार, अब ब्लॉग कैसे बनेगा, भिखारियाँ ठेले कट्ठे करना ना। हाय गाइस, ये हमने क्रीम ली है, आगे ताई शक्ल सोनी सी ना कैसे दी लगाना, कुलचे कुलचे लगाना, ये कुलचे नहीं बंद है, बंद ही हाँ। मैं तो माँ खाना नहीं है, तू बच सुनो बच्चा है। अच्छा भैया, तो अभी हम यहाँ पे आए कुलचा खाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। मैं समझ नहीं अच्छी यार, वे कुलचा देखी था मुँह जब लेना की है, कुलचा चीज़ ही ऐसी है। अच्छा चीज़ ही ऐसी है, कुलचा चीज़ नहीं है खाना है, खाने की चीज़ मतलब ऐसी है, खाने नहीं चीज़, चीज़ नहीं है वो खाना है। मैं खाना खाने रिएक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे कुलचा लग रहा है आप देख सकते हैं, भैया ने स्पाइस देखो, भैया ने स्टाइल देखो, उन्होंने मस्त बढ़िया ले लाश नहीं चल रही है, खपी लगी है, खपी लगी है, खपी लगी, एक थप्पी भी लगा इन, खा खा सर खा। तो अभी हमारा बंद है क्या भाई? अच्छा सर, चल भैया इसको ओवरलोड करना है यार, हाँ हाँ ओवरलोड, लोड नहीं ओवरलोड। तो यहाँ पे हमारा जी सेवा करना लाना, क्या समाज सेवा करना। तो अभी हम खा लेते हैं कुलचा फिर चलते हैं घर, आस्ता आस्ता जर्सी गई की पीछे मार रही। गाइस यहाँ आंटी तंदूर पे पका रहे हैं फुलके, और ये वाली आंटी उनका घी लगा रहे हैं। एक बड़ी आंटी स्किन आंटी, स्किन आंटी तारा सिंह को था ये लकड़ियाँ, और अंजलि आंटी देव को था, देव 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 हमारा हाँ 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 हम मौजू ले रहे हैं, गाग फुलके ले रहे हैं, आप पैसे ले रहे हो, हर कोई कुछ ना कुछ ले रहा है। इतना फोन था सेकंड उसी तंदूरा सेकंड उसी, गाइस देख लो आंटी की स्पीड, ये बटर लग रहा है, और ये गिनती कर रहे हैं रोटी कितनी हुई। जस्ट किडिंग गाइस, ये हमारे दोस्त है, बहुत प्यारे प्रिय मित्र हैं, प्रिय मित्र आप समझते हो हिंदी में, आप डिक्शनरी का यूज़ करें, मजाक करने का आंसर। तो यहाँ पे ये भी भाई हैं अपने, ये भी भाई हैं अपने, ये मालिक होते थे, मैं सोचता था कि आगे काम पे रखे हुए, तो मैं इनको पूछ रहा हूँ तनख्वाह क्या है। तो अभी इनको काम करने देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर दिया, अभी हम चलते हैं घर और आगे का देखते क्या होता है। तो गाइस ये हमारे फैन आए थे यहाँ पे मीटअप करने के लिए, छोटे मोटे फैन हैं, इनके इनके साथ भी मीटअप करना पड़ता है। ओ मजाक कर रहा हूँ यार दोस्त, है हमारे पास मीटअप आए थे सच में, फिर ना बू फिर जरे। चलो ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। तो घर आने के बाद मैं सो गया था, और सोने के बाद अभी जाग के फिर मैं आया यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, और ये मेरा दूसरा बंदा आ चुका है। तो अभी हम करते हैं शूट कोई रील वगैरह आप सबके लिए, क्योंकि अभी शाम को डालने के लिए रैप मेरे पास कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हमारे दरहाल में एक नई रोड बन रही है, इतने दूर से बताता हूँ, अगर आपने कमेंट की तो आपको पास से भी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल आप दूर से देखो। तो ये वाली लाइन देखो सावन, हम ये और यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, ये आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर एक जेसीबी भी है ये देखो, और ये वाली नई रोड बन रही है हमारी टोपा से। पहले जो टोपा वाली रोड है ना वो उधर से उधर जाती है, फिर वो ऊपर से मुड़ के उधर जाती है, लेकिन ये नई नीचे से बन रही है, ये यहाँ से शायद वहाँ तक जाए चिंगोलगा तक। बट अगर आपके पास से देखें तो कमेंट कर दो, मैं पास जाके भी आपके लिए बनाऊंगा। तो यार अभी हम रील बनाने लगे थे, बट हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रही हम दिमाग में, मतलब फिर हमने सोचा कि दिलजले मूवी का रीमेक बनाते हैं, दिलजले इन रियल लाइफ, बट वो भी सही से नहीं बन पाई, क्योंकि अभी इस टाइम पे खड़े होकर यहीं पे स्क्रिप्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल में सोचना पड़ता है। तो फिलहाल हम फिर से कुछ सोचते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, आप दुआ करते रहा करो यार हमारे लिए। तो सावनम बहुत मेहनत के बाद हमने एक रील बनाई है, मतलब पहाड़ी टाइप में, और पीछे से ये जेसीबी लगी हुई थी, ठक 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 ठक, बड़ी मुश्किल के साथ कोई 10-12 रिटेक्स के बाद बनी है। तो यार प्यार बरसात ना, आज हम रैप नहीं बना पाए क्योंकि मैं कॉलेज गया हुआ था और पीछे मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, उसके बाद मैं आके सो गया क्योंकि मुझे सर में बहुत दर्द था, और अगर मेरे पास कल टाइम बच गया तो कल मैं प्रोफेशनली रैप लूँगा, अदरवाइज़ फिर से बिना म्यूज़िक के करना पड़ेगा, जब तक कि 26 जनवरी है तब तक हमें परेड के लिए जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे तो मैं कॉलेज मिस भी कर देता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है बंदा एक दिन मिस कर दे, 10-12 रैप लिख देना,
लेकिन यहाँ पे नहीं ना आप कर सकता, आप नहीं कर सकता। इससे पहले मैंने आपको बहुत मेहनत से बहुत सारे रैप बना के दे दिए जब मैं फ्री था, तो यार आप मेरे साथ रहना, सपोर्ट हमेशा साथ रखना मेरे। तो फाइनली सेवन हम अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने स्टूडियो पे, मतलब जहाँ मैं ज़्यादातर वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं यहीं पर ज़्यादातर वीडियोज़ बनाता हूँ। और हमारा जो ये व्लॉग है ये ठीक ही था, आज का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, बिकॉज़ आज के जो दिन है वो शुरू शुरू में मतलब मेरे को थोड़ी सी दिल में खुशी थी और थोड़ा सा मतलब सुकून था और टेंशन फ्री था थोड़ा दिमाग, इसलिए सही से बन गया आज का व्लॉग, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अब एडिटिंग में पता नहीं कैसा होगा लेकिन था सही, और एक्सपीरियंस भी आज का बेटर था पिछले 4-5 दिनों से। और हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बिकॉज इसको अभी एडिट करके अपलोड भी करना, आज ही अपलोड करना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जो मैंने बीच में कल छुट्टी ले ली ना और परसों भी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और आज से हमने डेली मेहनत करनी है। आप कमेंट में ज़रूर बताना हम डेली व्लॉग्स करें या फिर बीच में एक दिन छोड़ के, आपको कैसे अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसी तरह से मेहनत करूँ जैसा मेरे सेवन हम चाहती है। अगर मुझे रोज़ देखना चाहती है तो मैं रोज़ व्लॉग्स करूँगा, और अगर मुझे रोज़ नहीं देखना चाहती तो फिर मैं एक दो दिन के मतलब ब्रेक लेकर फिर व्लॉग बनाऊँगा। और अभी चलते हैं, अपना थोड़ा सा काम बचता है वो कर लेते हैं, उसके बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे और फिर अपलोड करेंगे, फिर आप देखोगे आज ही सब कुछ हो जाएगा। तो लव यू सेवन। तो फाइनली हमें लकड़ वाले मिस्त्री भी मिल गए और उन्होंने कल शाम को आके ये बनाए थे, जब मैं रात वाला व्लॉग एडिट कर रहा था ना कल, तब वो बाहर ये कर रहे थे और ढूंढू मशीन की आवाज़ आ रही थी, मुझे व्लॉग भी सही से एडिट नहीं हो रहा था। जब व्लॉग एडिट हो गया फिर मैंने उनको भी दिखाया था, बोल रहे थे बहुत अच्छा है। तो ये रहा, ये वाला जो पल्ला है ये ऊपर लगेगा और ये जो साइड पर लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो तो मैंने आपको बड़ा पल्ला बताया वो यहाँ पे लगेगा और छोटे जो हैं वो साइड पे लगेंगे। तो आज का जो हमारा रैप है वो भी कैंसिल हो चुका था, बिकॉज आज मैं कॉलेज गया हुआ था तो मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला, आज रात को बैठ के लिखूंगा अगर हो पाया तो। कल आ जाएगा, मैं भी कल रजौरी भी जाना पड़े, क्योंकि जो हमने वो बैटरी छोड़ी थी वो लानी भी तो है वापस। और आज हमने रैप की जगह सिंपल सा एक सॉन्ग किया है फनी सा, तो वो बोलते वक्त एक तो पार से JCB की आवाज़ आ रही थी और साथ में मेरी आवाज़ भी सही से नहीं आ रही थी, मतलब सही से मुझे सुर नहीं खींचा जा रहा था, बिकॉज आज हम कॉलेज गए हुए थे, वहाँ हमने परेड की और मैं बोल रहा था ना ऊँची ऊँची आवाज़ से काशन दे रहा था, तो मेरा गला थोड़ा छीला हुआ था, उस टाइप का हो गया था, बहुत लंबे अरसे के बाद दिया ना कशन, इसलिए। तो ये था आज का हमारा कुछ व्लॉग, अभी मैं चल के लेटूंगा, इसका एडिट करूंगा फिर अपलोड करूंगा, आप देखोगे। तो इस व्लॉग को पूरा प्यार बरसाना, आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए मजदा व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू सेवन।